जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह फरहान, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और जब भी कोई भी ये कलाम पढ़ता है तो सबसे पहले अमजद साबरी एकदम जहन में आ जाते हैं। अल्लाह इस कलाम के सदक़े और रमज़ान मुबारक के इस महीने के सदक़े, बिलखसूस आज जुम्मतुल विदा है, आज मुबारक दिन के सदक़े अमजद साबरी साहब के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। हमारे साथ उलमाए कराम भी शामिल होंगे, और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हलाल और हराम का है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं हमारे माशरे में, हम देखते हैं कि समझ नहीं आती कि क्या चीज़ अगर हम करें तो वो दीन के दायरे में आती है और क्या चीज़ दीन के दायरे से बाहर है।
क्योंकि दीन को हम उस तरह से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐसे सवाल और ऐसी बहुत से ख्याल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। ये हमारे लिए ज़ाहिर एक मौका है कि उलमा कराम आज होंगे और वही बेहतर तरीके से हम सबकी रहनुमाई हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं बुला लूँ उलमा कराम साहब को या हम बाद में बुलाएंगे? उलमा कराम का आने में थोड़ा सा वक्त है, तो इस बात से थोड़ा सा फ़ायदा ये भी उठा लें कि जब तक उलमा कराम नहीं आते, रफ़ाकत अली ख़ान साहब बैठे हैं, रफ़ाकत भाई बख्त अली साहब आपके फ़र्जंद दानिश मंजूर ग्रुप के साथ बैठे हैं, तो इन्हीं से फरमाइश करते हैं कि कलाम के आगाज़ हो जाए। मैं पूछना चाहूँगी कि रफ़ाकत साहब, आप जब भी पढ़ते हैं एक अजीब सी रिक्कत तारी हो जाती है दिल पर, जहन पर, आज आप कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं? मैं आज आप ही की फरमाइश पर सरकार मौला अली मुशर्रफ खुशा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी खुसूसी अफ्तार नशरियात, माज़रत चाहता हूँ सहरी की नशरियात कर कर के इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। बहरहाल आपको जुम्मातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, अलविदाई जुम्मा, और इस बरकतों के साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए, अगले साल फिर हमें ये रमज़ान का महीना देखने की सआदत नसीब फरमाए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, अल्लामा मोहम्मद जनाब इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, साथ हैं। बल्कि मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी फरहान कि आप माशाल्लाह सहरी की ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और हम लोगों की पुरजोर फरमाइश पर और गुजारिश पर आप यहाँ पर भी तशरीफ लाए, तो ये आसान चीज़ नहीं है कि रात को भी आप जागें और आप फैमिली के पास भी जाएं, आप रोज़े भी रख रहे हो, आप कलाम भी पढ़ रहे हो, आप पोस्टिंग भी कर रहे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इंसान बहुत घबरा जाता है, ये तो वाकई ऊपर से कोई ताकत अता होती है, करम है उसके करम से, इतना कुछ आप कर रहे हैं और इतनी हिम्मत से कर रहे हैं, अल्लाह ने हिम्मत दी वरना नहीं कर सकते, लोगों की दुआएं साथ हैं, बहुत दुआएं और आप करते दिल से हैं, तो मैं ये सआदत हासिल कर लूँ उलमाए कराम को मुतारिफ कराने के हवाले से, क्योंकि एक अजीब सिलसिला इन लोगों के साथ है, एक अजीब मैं समझती हूँ कि रूह का सिलसिला बन चुका है मेरा पहले दिन से अब तक उलमाए कराम की खूबसूरत गुफ्तगू की रोशनी में, जितनी मेरी रूह को, मेरी क्या तमाम सुनने वालों की रूहों को जो बालिदगी हासिल हुई है उसका क्या कहना। आज के दौर में ये हमारा असासा है, इनकी गुफ्तगू की रोशनी में हमें पता चलता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत, क्योंकि हम इतने नादान हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि हम अपने दीन को समझ सकें, हम अपने दीन को पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें। हमें इतना ही मान काफ़ी होता है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमारे लिए बस यही इत्मीनान काफ़ी है, लेकिन इस इत्मीनान के साथ हमारे जो असूल हैं हमारे दीन के बताए हुए, हम बंदाए बशर हैं, हमसे गलतियां होती हैं, मगर हम अपनी गलतियों की सलाह कैसे कर सकते हैं? तो हमारे मेरे ख़्याल में हमारे दीन की वजह से हम पर एक ख़ास करम है कि उलमाए कराम की सूरत में हमें वो असासा मिला है कि जिनकी गुफ्तगू की रोशनी में हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अगर हमसे कल गलतियां हुई तो हम अपने आज को बेहतर कर सकते हैं, अगर हमारा आज बेहतर होगा तो यकीन है कामिल है कि आने वाला कल भी बेहतर होगा, और उसके बाद जो एक जहान है जो हम सबको पता है कि जहाँ जाना है, जो यकीनी ज़िंदगी है आलम बरज़ख वो भी वहाँ पर भी हमारे लिए बेहतरी का सामान होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है अलामा साहब वो है हलाल हराम के हवाले से, तो मैं पहले तारुफ़ करा दूँ कि मुझे ये सआदत मिल रही है क्योंकि सुबह तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब करवाते हैं सहरी में, फरहान जो है वो सारे क्रेडिट्स ले जाते हैं, तो मुझे ये वक्त मिलता है तो मैंने कहा ये थोड़े लम्हे मैं चुरा लूँ और मैं ये सआदत हासिल करूँ कि उलमाए कराम को मैं मुतारिफ़ करवाऊँ। मेरे बाएं जानिब हैं मुफ्ती इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, आज आप बहुत माशाल्लाह अबाया आपने पहना है, बहुत पुरनूर शख्सियत लग रही है आपकी रोज़मर्रा की तरह। और मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि 28 साल की उम्र में जितनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह इल्म हासिल किया और जिस तरह से किताबों के ज़रिए से और उनको कोट कर कर ये बातों को हम तक पहुंचाते हैं, इल्म की रोशनी बिखेरते हैं, तो ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि इतनी कम उम्री में आप उस मेराज पर जाएं या उस जगह उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां पर आपके बड़े भी आपको अपना कहते हुए फ़ख्र महसूस करें। मेरे दाएं जानिब हैं अलामा सैयद जवाद आपकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और शफीक भाई आपको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो यहाँ पढ़ते हैं, मेरा ईमान है कामिल है कि आपकी आवाज़ सीधी मदीना मुनव्वरा तक जाती है।
जी फरहान भाई की आवाज में भी दर्द है, सोज गुदाज जी, इनको तो जबरदस्ती बुलवाया गया है, आप यकीन कीजिए, मैं ये तो बड़ी सिफारिश के बाद यहां पहुंचा। अल्लाह इज्जत दे, जबरदस्ती मुझे पकड़ के लाया गया कि चलो, हम बेसब्र है ना, सब्र होता है जल्दी बोल देते हैं। ना सिर्फ दर्द है अलामा साहब, ये भी बड़ी खास रहमत और बरकत होती है कि यंग एज में जब आप कोई भी कलाम पढ़े, एक होता है कि आप सिर्फ उसको अपना जरिया माश बनाते हैं, लेकिन एक कुछ होती हैं चीज़ें जिनको आप दिल की गहराई से करते हैं, तो वो दुनिया इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो गई, हमारे देखने वाले इतने इंटेलिजेंट है कि उनको पता चल जाता है क्या चीज़ दिल से की जा रही है और क्या चीज़ दिखावे के तौर पर। असल में देखिए खुलूस भी इसमें शामिल होता है। आज इंटरटेनमेंट की सारी टीम न सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो अपना फरीज़ा समझ के भी कि रमज़ान का बरकत बाबरकत महीना है, इस ट्रांसमिशन के ज़रिए अच्छी अच्छी बातें जाएंगी, तो वो सवाब की हैसियत से भी खुलूस के साथ बुलाते हैं, तो फिर मुझसे भी मना नहीं किया जाता हमेशा, जब भी आज टेलीविजन ने हमें बुलाया मैं हमेशा हाजिर हूँ। हालांकि कई चैनल्स पर आपकी कमिटमेंट है, और मुझे मुझे याद है कि जब शुरू में मेरी बात हो रही थी फरहान साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि जी ये फरहान अली वारिस भी चाहिए, तो उन्होंने कहा वो तो कमिटेड हो चुका है दूसरे चैनल्स के साथ। मैंने कहा क्योंकि आप जिस दिल से एक महफिल को सजाते हैं, तमाम करते हैं, अगर आप इसी दिल से उनसे कहेंगे तो मुझे यकीन है कि वो ना नहीं कहेंगे। माशाल्लाह बिल्कुल, तो आपका गुमान यहां बस मैं सिर्फ एक मिसरा कहूंगा कि सही था और नहीं भी नहीं हुई, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक बेशक। फरहान भाई एक बात बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में और दूसरी में आपको देख रहा हूँ, बड़ी कोशिश की मैंने भी कि मैं किसी और तरफ चला जाऊं, लेकिन ना जाने अल्लाह को मंजूरी नहीं होता, मैं जैसे सोचता हूं उतने और दबाव पड़ जाता है मुझ पर महफिलों का, बुजुर्गों का, अगर नहीं आप इसी में रहें तो। फरहान भाई को मैंने देखी जो बात आपने कही ना कि यंग एज में जो फरहान भाई को अल्लाह ताला ने चुना हुआ है, अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि कुदरत नहीं चाहती, अल्लाह नहीं चाहता कि कुछ और करें। कुछ चीज़ों को पाने में साल हर साल लग जाते हैं, और जब उसकी जात का कर्म हो तो एक लम्बा कर्म, जिस पर वो चाहता है अपना फजल कर देता है, ये उसके फजल के फैसले। अलावा साहब मैं अब वक्त के दामन में, आपको पता है कि हमेशा गुंजाइश कम होती है, इतना मौका नहीं मिलता, और सवाल जो है हमारे बहुत सारे होते हैं, तो मैं पहला सवाल करना चाहूँगी, आप बड़े हैं तो मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी कि पहले तो हलाल और हराम की थोड़ी सी तमीज़ बता दीजिए कि क्या है, क्योंकि आज जिससे पूछते हैं वो एक अपना फतवा जारी कर देता है कि ये गलत है, ये सही, ये हलाल, ये हराम, तो थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरुलिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, सदकल्लाहुल अज़ीम। बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा वसी टॉपिक है। पहले तो मैं आपकी बात पे आता हूँ कि उलमाए किराम से आप सीखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस मुसलमान को जिससे मोहब्बत होगी कियामत के दिन उसका हशर उसी के साथ होगा। अगर ये सीखने की आरजू तमन्ना उलमाए किराम के साथ है तो मेरा ख्याल है कि ये बुरी बात नहीं है, अच्छा फैसला है। सीखने का इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है। तमहीदी कलबात जो आपके थे, बारकैफ टॉपिक बड़ा वसी है, इसमें आसान कर देता हूं जो आपका सवाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐमान वालों खाओ वो पाक चीजें, तय्यब चीजें जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है, और उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस परवरदिगार की तुम पूजा करते हो। अब सूरह बकरा के अंदर तीन मकामात पे तीन चीजें आई हैं। पहले तो लोगों को बुलाया गया, पुकारा गया, या युहन्नास, तमाम लोगों को, कुलू मिम्मा रज़क़ना फिल अर्द हलालन तय्यिबा। तीसरे मकाम पे अहले ईमान को, यहां इस आयत में ईमान से मुखातिब सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन सालेहीन है, फरिश्ते नहीं है। कभी कभी कुरान फरिश्तों को भी अहले ईमान में शामिल करता है, क्योंकि यहां मसला इंसानों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, तो अहले ईमान को पुकारा है। ईमान वालों तुम वो खाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय्यब की है, हलाल की है। अब तय्यब क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इसकी तफसील में आता हूं। पहले आमनू का मानी समझ लो। आमनू में हम यहां शामिल हैं, अंबिया यहां नहीं है, कभी कभार फरिश्ते शामिल होते हैं। अब चूंकि इस आयत में फरिश्ते शामिल नहीं है कि वो खाने पीने से पाक है, उन्हें रिज़्क़ की रोजी की जरूरत ही नहीं है। अब जिन्नों की जो रोजी है वो अलग है, जिन्नों की जो खुराक है, मखलूक है जिन,
उसकी खुराक है कोयला और हड्डी, ये उसकी खुराक है। कभी कभार फरिश्ते भी शामिल होते हैं, जिन्नात भी शामिल होते हैं, आमनू में सारी मखलूक शामिल होती है। जैसे कुरान के अंदर है कि या युहल्लदीना आमनू, ईमान वालों, ला तरफा वस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे पैगंबर की आवाज से ऊंची आवाज मत करना, अपनी आवाज को धीमे रखना। अदब का दर्स दिया फरिश्तों को भी, जिब्रील, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल, सारे मलाइका इसमें आ गए। और यही हुक्म जिन्नों के ऊपर भी सादर होता है, यही हुक्म अहले ईमान के ऊपर भी सादर होता है। यहां पुकारा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह चाहता है, अल्लाह की मंशा रजा यह है कि मेरे बंदे तय्यब रोजी खाएं। आपका जो सवाल है, हराम वो चीजें हैं जो अल्लाह ने हराम कर दिया है। कुरान में है सुअर यानी खिंजीर, गधा और कुत्ता, ये तीन चीजें हैं। फरमाया कि जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता वो हराम है, जिसको शरीयत पसंद करती है वो हलाल है, और जिसको तबीयत पसंद करती है वो तय्यब है। तीनों चीजें आ गई मुख्तसर वक्त में, तीनों चीजें बयान कर दी कि जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता वो हराम है, जिसको शरीयत पसंद करती है वो हलाल है, जिसको तबीयत पसंद करती है वो तय्यब है। वो तय्यब चीजें खाओ, बाकी के लिए मना है। अब इसमें ढेर सारे मसाइल हैं, कौन कौन से जानवर, वो तीन जानवर तो निकाल दिए, वो सारे हराम हैं, बाकी जो गैरुल्लाह के नाम पे हैं, अब गैरुल्लाह की गर्दान हम रट लगा के कहें कि इसमें अहलुल्लाह भी शामिल हैं, गौसे पाक भी शामिल हैं, हुजूर इमाम आली मकाम के नाम की नियाज भी शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा, ये तफसीर गलत हो जाएगी। आज कोई जितना बड़े से बड़ा मुफस्सिर बन जाए, आलिम बन जाए, वो कुरान को कमा हक्कहू नहीं समझ सकता जब तक रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखाट अकदस के ऊपर जबीन नियाज नहीं झुकाएगा, वो आलम फिकी नहीं बन सकता। अल्लाह ये चाहता है कोई जितना भी बड़ा बन जाए, मुफस्सिर हो, डॉक्टर हो, सज्जन हो, कुछ भी हो, वो मेरे हबीब का मोहताज रहे, वहां से आए। लेकिन अल्लाह ने एक काम बड़ा किया है, हराम की लिस्ट तो भेज दी मगर हलाल की लिस्ट जो थी वो नहीं भेजी, वो अपने रसूल को मुकरर किया। वमा अताकुम रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम अनहु फंतहु, जो मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जहां से रोके वहां रुक जाओ, जहां से रोके वो चीजें हराम हो गई, आगे आगे बढ़ो भी मत। तो बड़ा आसान है हलाल और हराम को समझने का। अब एक एक जानवर पालते हैं, मैं कहता हूं अल्लाह मुझे पोता देगा, मैं अकीका करूंगा। लड़के के लिए एक जानवर है, बेटी यानी बेटी के लिए एक है, बेटे के लिए दो है, करूंगा नाम पालता रहा। जब तकबीर पढ़ेंगे तो पोते का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा अल्लाह का। जिस जानवर पे अल्लाह का नाम है वो हलाल है। फिर इसकी किस्में हैं, अगर मुशरिक ज़िबह करेगा वो हराम है, बेशक मुशरिक ज़िबह करेगा, हिंदू अज़म में कोई ज़िबह करेगा चाहे वो अल्लाह का नाम ले वो हराम है। किताबी अहले किताब, ईसाई, यहूदी, मुसलमान जो ज़िबह करेंगे उनका ज़िबह हलाल है। इसी तरह जो हम बकरा जानवर इमाम हुसैन मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम की नियाज के लिए यानी उनके नाम कर देते हैं कि ये मेरा काम हो जाए, ये चीजें तैयार हो जाए, मैं ज़िबह करूंगा। जब हम ज़िबह करते हैं तो इमाम अली मकाम का नाम नहीं लेते, हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का मनसूब उधर होता है, नाम लेते हैं अल्लाह का। जब अल्लाह का नाम लिया तो वो चीजें हलाल है निस्बत उनकी तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम की, फरमाया ये कुर्बानी मेरी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के नाम की है। हुजूर वो तो आलम बरज़ख में चली गई हैं, फरमाया कुर्बानी मोहम्मद यहां कर रहा है, फैज उसको आलम बरज़ख में पहुंचेगा। तो जायद है ये सारे काम। बहुत ही खूबसूरती से आपने बहुत डिटेल के साथ, बहुत तफसील के साथ जवाब दिया। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बारान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले उलमाए कराम से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी हलाल और हराम के हवाले से।
अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और पूछना चाहूँगी कि अब बहुत मुश्किल हो गया, जैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरती से उस पर रोशनी डाली, मगर समझ नहीं आती कि क्या चीज़ खाएँ क्या चीज़ ना खाएँ, क्योंकि जो ख़ासतौर पर लोग बाहर रहते हैं। मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगी क्योंकि एक फैमिली मेरे साथ गई और हमने खाने में रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया खाने का। मैंने कहा जी मैं वेजिटेरियन चीज़ें खाऊंगी या मैं फ़िश प्रोडक्ट्स खा लूँगी, जो भी होंगी, मछली के हवाले से या इस तरह की जो भी ऐसी चीज़ें, सी फूड जो है। तो एक साहब थे, वो बहुत सीनियर थे, पढ़े लिखे थे और बहुत इल्म रखते थे। उन्होंने कहा कि जी आप बीफ क्यों नहीं खा रहे या चिकन क्यों नहीं खा रहे। मैंने कहा जी इस रेस्टोरेंट में झटका है तो मैं नहीं खाती हूँ, ना मैं खाऊंगी ना मेरा मियाँ खाएगा। उन्होंने मुझे आगे से कहा कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि झटका हराम है, कहाँ लिखा हुआ है, ये उन्होंने मुझे बोला। अब वो चूँकि मेरे मेहमान भी थे, और सच बात है कि जब आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज ना हो तो आप बहस नहीं कर सकते। तो मैंने चूँकि कुरान पाक अरबी में पढ़ा है, नॉर्मल हम तर्जुमे के साथ पढ़ लेते मगर इतनी गहराई के साथ नहीं पढ़ते कि हर एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें। तो मैंने उनसे बहस नहीं की कि कुरान में कहीं लिखा है या नहीं लिखा। तो एक तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, दूसरा ये कि हमारे लिए ज़िंदगी आसान कैसे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये मत करो ये हराम है, और जो बता रहे होते हैं वो खुद बहुत कुछ हराम काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का कहना वो कितनी उसकी अहमियत है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बाद। فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا صدق الله العلي العظيم। سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے, ہماری زندگی میں ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن جب بھی حلال اور حرام ہمارے ذہن میں آتا ہے سب سے پہلے ہمارا ذہن کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ کون سی چیز کھانے میں حلال ہے کون سی چیز پینے میں حرام ہے۔ بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے اس پر روشنی ڈال دی ہے, اور میں اس کے بعد صرف اس میں اضافے کے حد تک داخل ثواب ہونے کے لیے چند چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات, میں ایک دل کا درد ہے جو آپ سے اور آپ کے ذریعے سے تمام ہمارے سامعین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جتنی بھی فیلڈز ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں نا, میڈیکل کی, ٹیکنیکل کی, میکینیکل کی, ایجوکیشنل, الیکٹریکل, جتنی فیلڈز آپ ایجوکیشن کی بنا لیں, تمام فیلڈز میں ان کا کورس موجود ہے, ان کی یونیورسٹیز موجود ہیں, ان کے اسپیشلسٹ موجود ہیں, ان کے لیکچرارز موجود ہیں, ان کے پروفیسر موجود ہیں, ان کے تھیسز موجود ہیں, سب کچھ ہے, ہر چیز کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے۔ اور کسی فیلڈ میں, کسی شعبے میں, کسی ادارے میں, کسی سبجیکٹ میں, کسی عنوان میں کوئی شخص بھی رائے دینے سے بچتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میری رائے غلط ہو گئی, اگر ایک آرکیٹیکچر الٹی سیدھی کو رائے دے دے گا مکان کا نقشہ اونچا ٹیڑھا ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ میڈیکل کے معاملے میں آپ کو کسی سیریس پیشنٹ ہو اور آپ اس سے کسی عجیب کسی نیم حکیم سے مشورے لے جا کر اور مریض کا کام خراب ہو جائے تو آپ پریشان, آپ چاہتی ہیں اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ کم سے کم چانس ہو اس کو خراب ہونے کے یا مرض بگڑنے کے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج 1440 ہجری میں دین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے وہ حلال کر دیتا ہے, وہ حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے اگر کہا جائے نا, ذرا قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے بتاؤ, ذرا دیکھ کر زیر زبر کے ساتھ, بغیر زیر زبر کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ مدرسے میں جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بغیر زیر زبر کی ہوتی ہیں, اس میں تو زیر زبر بھی نہیں ہوتا ہے۔ زیر زبر دیکھ کر ایک صفحہ قرآن جو شخص نہ پڑھتا ہو وہ دین کے اندر فتویٰ بازی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے, رائے دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو میں سب سے پہلی بات تو سامعین کو یہ کہوں گا, بجائے اس کے کہ آپ دینی معاملات میں دوسرے سے پوچھیں, آپ مجھ سے کیوں پوچھیں, آپ کسی اہل علم سے پوچھ لیں, میں آپ سے کیوں پوچھوں, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے جا کے پوچھا جائے, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, نمبر ایک۔ نمبر دو, اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں, اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے, مسئلہ ہے میرے یہاں کا, میں پوچھ رہا ہوں دوسرے والے سے, رائے خراب ہوگی نا۔ آپ اپنے عالم دین سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے یا نہیں, مفتی صاحب یہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں, مولانا یہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ آپ نے جو سوال کیا حلال اور حرام, سب سے پہلے میں ایک جملے میں اس کی وہ بیان کر دوں کہ دیکھیں, میں نے آج جو تلاوت کی اس میں لفظ ہے کہ اے لوگوں, زمین میں سے وہ کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے حلال اور طیب کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے روشنی ڈال دی, حلال اور طیب, ایک فرق حلال طیب کا یاد رکھیے گا۔ دعا میں بھی ہمیں تعلیم دی گئی, اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا, اے اللہ ہمیں رزق حلال اور رزق طیب عطا فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب رزق حلال کی دعا کر لی تو یہ رزق طیب کیا بلا ہے جی؟ رزق طیب کیا چیز ہے؟ جب حلال ہم نے کہہ دیا, حلال کا مطلب اس کو کھانا حلال ہے, یہ طیب کے قید لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے, حلال اور طیب میں بڑا باریک سا فرق یاد رکھیے گا۔ حلال اسے کہتے ہیں کہ جو کمائی تو محنت سے ہو,
लेकिन बाज़ औक़ात वो खबीस चीज़ भी होती है। मैं मिसाल दे दूँ, हलाल की कमाई से सुअर का गोश्त कोई शख्स खरीदे नाउज़ बिल्ला, तो कमाई हलाल है लेकिन ये जो रिस्क खरीद रहा है ये रिस्क तैयब नहीं है, खबीस है। इसी तरह मिसाल ले ले, हलाल का पैसा है, हलाल की कमाई है, उससे नाउज़ बिल्ला शराब खरीद रहा है, तो ये रिस्क अभी जो शराब ले रहा है, जो ड्रिंक ले रहा है, ये तैयब नहीं है, खबीस है। तो याद रखिए, हर रिस्क हलाल है और तैयब भी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल में हमने सामीन को ऐसे दे दूँ, 8 घंटे की मसलन कोई ड्यूटी कर रहा है, उस 8 घंटे की ड्यूटी को इसको जो पैसे मिल रहे हैं ना, उसको 8 घंटे की ड्यूटी की मिल रहे हैं।